हम लोग देख चुके थे क्रिटिकल एंगल क्या होते हैं, तीनों केसेस देख चुके थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेसर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग देख चुके थे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस रिलेशन को। तो रिलेशन क्या था, साइन सी इज इक्वल्स टू क्या था, साइन सी इज इक्वल्स टू ए म्यू जी या जी म्यू ए, ये हमें बताओ। जी म्यू ए याद नहीं कर रहे हो, जी म्यू ए, जी म्यू ए का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। और क्या है, साइन सी इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए म्यू जी। और क्या रिलेशन था, ए म्यू जी इज इक्वल्स टू कॉसेट सी। ये तीन रिलेशन हम लोगों ने डिराइव करना सीखे थे जो कि पहली वीडियो में मौजूद है और आप लोग देख सकते हैं उस लेक्चर्स को। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले, इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि कौन कौन से फैक्टर्स क्रिटिकल एंगल के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, क्रिटिकल एंगल को चेंज करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक है कलर ऑफ द लाइट, जो लाइट इस्तेमाल हो रही है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका कलर क्या है। जब कभी भी हम लोग कलर की बात करेंगे तो वेवलेंथ, यानी कि उसकी वेवलेंथ क्या है। ठीक है, उस लाइट की वेवलेंथ क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, टेम्परेचर, यानी कि जब कलर चेंज होगा तो क्रिटिकल एंगल भी चेंज हो जाएगा। जब किसी भी लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी तो भी क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो भी क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा। यही दो फैक्टर्स हैं जो कि क्रिटिकल एंगल को चेंज कर रहे होंगे। अब कैसे, सबसे पहला फैक्टर इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिपेंडेंस ऑन द कलर ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या कह रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो यानी कि इट इज द मोस्ट फॉर द वॉयलेट लाइट एंड द लीस्ट फॉर द रेड लाइट। तो अब हमको ये बताइए कि वॉयलेट लाइट और रेड लाइट इन दोनों की वेव, इन दोनों में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है और किसकी वेवलेंथ कम है। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा जब लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी, और यहां पर बोल रहा है कि रेड लाइट के लिए सबसे कम है, यानी कि रेड लाइट की वेवलेंथ क्या है, हाईएस्ट है। रेड लाइट की वेवलेंथ क्या है, हाईएस्ट, यानी कि मैक्सिमम।
और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल रहा है, मोस्ट फॉर द वॉयलेट, यानी कि वॉयलेट, स्पेलिंग गलत लिखी है, वॉयलेट फिर गलत हो गई, वॉयलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या है, लीस्ट है, याद रख लेना, वेवलेंथ लीस्ट है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट के लिए क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वॉयलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंडेंस होगा, क्या डिपेंड करेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा या घटेगा तो क्रिटिकल एंगल कैसे डिफर करेगा, कैसे चेंज करेगा, ये ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, और क्रिटिकल एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा, क्रिटिकल एंगल इज अनदर थिंग, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू क्या देखी, म्यू की वैल्यू सबसे लीस्ट होती है, जब म्यू की वैल्यू हम लोग डिक्रीज करेंगे, लीस्ट होगी किसके साथ, लीस्ट होगी, डिक्रीज किसके साथ डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ के बढ़ने के साथ, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा, यानी कि अगर हम लोग रेड लाइट को इस्तेमाल करेंगे तो रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे कम होगा, अगर हम लोग रेड लाइट की जगह वॉयलेट लाइट इस्तेमाल करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक, यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रही होगी तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, घटेगा। तो अब हमें ये बताओ, अगर हमने रेड लाइट इस्तेमाल करी और वॉयलेट लाइट इस्तेमाल करी, रेड लाइट के केस में क्रिटिकल एंगल क्या होगा और वॉयलेट लाइट के केस में क्रिटिकल एंगल क्या होगा, अभी हम लोगों ने रेड लाइट के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया है, रेड लाइट की सबसे पहले ये जो रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेट है किससे, इसकी वेवलेंथ से, रेड लाइट की वेवलेंथ हम लोगों ने क्या देखी थी, सबसे हाईएस्ट देखी थी या सबसे लोएस्ट देखी थी, सबसे हाईएस्ट, जब इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे हाईएस्ट है, तो इसका म्यू क्या होगा, सबसे लोएस्ट होगा, और क्रिटिकल एंगल क्या होगा, हाईएस्ट होगा। अगर हम लोगों ने वॉयलेट लाइट इस्तेमाल करी है तो वॉयलेट लाइट के केस में वेवलेंथ क्या होगी, सबसे लीस्ट होगी, यानी कि सबसे कम होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और जो क्रिटिकल एंगल होगा वो क्या होगा, सबसे लोएस्ट होगा। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी मीडियम का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्रिटिकल एंगल क्या होता है, बढ़ता है। अब सवाल आपके पास ये आ जाए,
कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि हमने अभी क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। टेम्परेचर बढ़ाने पर, जब लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्रिटिकल एंगल बढ़ता है, जब क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा क्योंकि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो म्यू क्या होगा, घटेगा। ये अलग सी, समझ में आ गया, इसी पर ही क्वेश्चन फ्रेम हुआ। तो बहुत ध्यान से इस पोर्शन को बहुत अच्छे से करना है। फिर उसके बाद आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, किसको बोलते हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर। जब क्रिटिकल एंगल की बात होगी तो लाइट ट्रेवल कर रही होगी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, जब बात होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तो लाइट ट्रेवल करेगी रेयरर टू डेंसर मीडियम में। At all angle of incidence, a part of it is reflected and the rest of it is refracted at the boundary surface. Thus, both reflection and refraction occur simultaneously. On the other hand, when the light travels from the denser medium to a rarer medium, under certain condition when the angle of incidence is greater than the critical angle or two part of the light is reflected or no part of the light is refracted but the entire light is reflected in the same medium, this phenomena is known as the total internal reflection। यानी कि जो हम लोगों ने केस नंबर 3 देखा था, केस नंबर 3, ये केस नंबर 3 क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने अभी एक बात गलत बोल दी फ्लो में, कि जिस तरीके से हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल में एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे को डेंसर मीडियम में लिया था, उसी तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी इंसिडेंट रे को कहां पे लेंगे, डेंसर मीडियम में लेंगे। तो ये दोनों आपस में भाई भाई। तो केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर थ्री ये है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी रिफ्रैक्टेड रे नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिफ्लेक्शन ही होगा। ओनली रिफ्लेक्शन। और इसी को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सवाल ये आएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में होती है या रेयर मीडियम में, जवाब क्या है, डेंसर मीडियम में। सवाल ये आएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या रिफ्रैक्टेड रे होती है या नहीं होती है, ठीक। सवाल ये आएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या रिफ्लेक्टेड रे होती है या नहीं होती है, होती है। सवाल ये आएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ गया, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस भी हमने आपको बता दिया, ये याद करना है। एसेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, जरूरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। जब बड़ा होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। पहली कंडीशन क्या है, जैसे हम लोग क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंट रे को डेंसर मीडियम में ले रहे थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी इंसिडेंट रे को डेंसर मीडियम में लेंगे। ये क्या है, एसेंशियल कंडीशन, टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन की। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ गया। रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज एट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ प्रिज्म इज भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बी एम आई स्टैंड फॉर भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे।